सो स्टूडेंट्स, यू रेड द रिसाइटेड द पोएम. आपने रीडिंग कर ली है पोएम की, बेसी सॉन्ग टू हर डॉल. सो टुडे आई एम राइट नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द पोएम. सो लाइक हम सब भी अपने डॉल्स के या टॉयज़ के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स रखते हैं, राइट? सो उसी तरह बेसी ने भी अपने डॉल का एक नेम रखा है, एंड दैट नेम इज़ मटिल्डा जेन. सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो दैट अ पोएम हैज़ अ स्टैंजा. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू स्टैंजा बाय स्टैंजा, एंड देन इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज आस्क मी. So, in the first stanza, Bessie is saying, Matilda Jane, you never look at any toy or any picture. तुम कभी मेरी कोई में इतनी सारे toys दिखाती हो, picture book दिखाती हो. You never react, कोई देखती नहीं हो तो मेरी चीज़ों को. मैं इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें दिखाती हूँ, but in vain, मतलब कोई result ही नहीं होता. You don't show any expressions. You must be blind, Matilda Jane. Blind is a person who cannot see. So Bessie is saying, मेरी doll, that is Matilda, तुम तो blind हो, तुम तो कुछ देखती ही नहीं हो. आई आस्क यू रिडल्स, मैं तुमसे रिडल्स पूछती हूँ, कहावतें, मुहावरे टाइप, यू नो, हम लोग जो टंग ट्विस्टर रिडल्स भी होती हैं हमारे पास, वो पूछती हूँ. मैं तुम्हें इतनी सारी स्टोरी सुनाती हूँ, बट ऑल आर कन्वर्सेशन फेल्स, सारी बातें हमारी फेल हो जाती हैं, बिकॉज तुम तो बोलती नहीं हो कुछ. यू डोंट रिएक्ट, यू नेवर आंसर मी. आई फियर यू आर डम, मटिल्डा जेन. डम इज़ अ पर्सन हु के नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता. सो मुझे लगता है तुम मटिल्डा जेन डम हो. मटिल्डा डार्लिंग, व्हेन आई कॉल यू, यू नेवर. एंड जब भी मटिल्डा आई कॉल यू, जैसे मम्माज आपको बुलाते हैं तो आप येस है नो बोलते हो ना, कि येस मम्मी आई एम कमिंग, येस पापा आई एम कमिंग. तो बट मटिल्डा डजंट आंसर, मटिल्डा कुछ बोलती ही नहीं है, और वो अपनी सारी माइट के साथ, मतलब पूरी शक्ति लगा के बुलाती है, चिल्ला के, पूरी एनर्जी लगा के. बट मटिल्डा जेन, यू आर सो डेफ, तुम तो बहरी भी हो. अ पर्सन हु कैन नॉट हियर इज कॉल्ड एज अ डेफ पर्सन, राइट? मटिल्डा जेन, यू नीडंट माइंड, पर तुम चिंता मत करो मटिल्डा जैन. आई नो इवन दो यू आर डेफ डम एंड ब्लाइंड, देर इज समवन हु इज ऑलवेज लव्स यू, इट्स प्लेन, एंड दैट इज मी मटिल्डा जैन. एंड कोई बात नहीं मटिल्डा जैन, यू आर, यू माइट बी डेफ डम और ब्लाइंड, कैसे भी हो, आई ऑलवेज लव यू, एंड मेरा लव आपके लिए ना प्योर है, एंड आई ऑलवेज कीप लविंग यू, एंड दैट इज मी मटिल्डा जैन. So students, with this we've completed the explanation of the poem. I want you to write the word meanings in your notebook.